अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहसान शेख हूँ। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लीमू का पौधा ठंड में ग्रोथ नहीं करता है, उसकी ग्रोथ ठंड में रुक जाती है, सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाता यह पौधा। तो जैसे ही फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है तो उसकी नई नई ब्रांचेस से निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर से ठंड में ये बिल्कुल भी नहीं उगता है, बिल्कुल रुक जाती है इसकी ग्रोथ। इसमें मैंने खाद भी नहीं डाली, मैंने खाद डाली थी लेकिन फिर मैंने निकाल दी। वो इसलिए क्योंकि सर्दियाँ थी और सर्दियों में खाद डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि इसकी ग्रोथ होती ही नहीं है जब, तो फिर खाद डालने का फ़ायदा ही नहीं, तो फिर मैंने निकाल दी। तो अब जैसे ही गर्मी का स्टार्ट होगा सीज़न, अब जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मैं इसको फिर खाद दूँगा। अभी मैंने खाद नहीं दी इसको, तो अभी भी इसकी ब्रांची से निकल रही हैं थोड़ी थोड़ी सी, आपको दिखाऊंगा। ये रही दो 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 निकल रही हैं, इधर से भी और भी हैं, दो तीन तरह से भी निकल रही हैं, या अंदर से भी निकल रही है टेनी के इधर से, लेकिन शायद आपको नज़र नहीं आए क्योंकि बहुत छोटी है। नीचे से भी निकल रही है इनकी जो ठीक जो इसकी टेनी है ठीक ब्रांचेज है, इसके अंदर से भी यहाँ से निकल रही है छोटी छोटी सी। कल जुम्मा था तो कल थोड़ी गर्मी हो गई थी, लेकिन अब आज हफ्ता है तो आज दोबारा से थोड़ी ठंड हो गई दोबारा। तो ये बढ़ेगा तभी जब गर्मियों का मौसम शुरू होगा, लेकिन अभी से ही हालांकि अभी ठंड थोड़ी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे ब्रांची से निकल रही हैं छोटी छोटी सी कलियाँ निकल रही हैं। मार्च का महीना आ जाएगा तो इसके अंदर फुल लीव्स आ जाएंगे, इसके काफ़ी हरा भरा होने लग जाएगा ये फिर से। इसकी जो बारीक बारीक ब्रांचेस हैं इसमें से भी कलियाँ निकल रही हैं, इनकी ब्रांचेस छोटी छोटी ब्रांचेस से निकल रही हैं दोबारा से। तो मैंने इसको सीड से लगाया था तो इस वजह से इसमें अभी लीमू नहीं आएंगे, तो इसमें लीमू आने में तकरीबन दो तीन साल लग जाएंगे इसको। तो मेरे पास इसको एक साल तो हो गया है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो मैं इसकी प्रूनिंग करता रहता हूँ ऊपर से। हार्ड प्रूनिंग भी इसकी करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है इनकी ब्रांचेस, तो भी इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी ज़रूरी पड़ जाती है। फिर पौधा लेवल में नहीं आता क्योंकि इस वजह से भी कभी एक ब्रांच बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है, तो इस वजह से इसको लेवल में लाने के लिए हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करनी पड़ जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने ये भी की है, ये देखिए ये हार्ड प्रूनिंग है। यहाँ से मैंने यहाँ से इसको काट दिया था तो इसकी एक यहाँ से ब्रांचेस निकली थी, एक यहाँ से निकली, फिर एक यहाँ से निकली, दो दो यहाँ से निकल गई, यहाँ से भी मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी थी। यहाँ से देखें ये, तो इधर से भी फिर एक ब्रांच निकल गई। गुडाई भी इसकी हमें करते रहनी चाहिए, मैं इसकी गुडाई करता रहता हूँ। मैंने कल ही तुलसी के पौधे की प्रूनिंग की थी, उसको ऊपर से काटा था क्योंकि उसकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इस वजह से मैंने उसको काट दिया। ये काटा और ये दो यहाँ से निकल रही थी वो काटी, एक यहाँ से निकल रही थी वो काट दी। अब जैसे मैंने यहाँ से काट दिया तो अब यहाँ से इसकी नई ब्रांचेस निकलेंगी, इधर से जहाँ जहाँ से काटा है उसको वहाँ वहाँ से उसकी नई नई ब्रांचेस उसकी निकलना शुरू हो जाएंगी, तो वो और बुशी हो जाएगा। जैसे कि ये वाला है, इस तरह ये भी हो जाएगा। इसको तकरीबन महीनों हो गए इस पॉट के अंदर, तो मैं अभी इसको बाद में इसको नए पॉट में शिफ्ट करूँगा, बड़े पॉट में लगाऊँगा इसको। इससे भी छोटे वाले पॉट में ये लगा हुआ था, बड़े पॉट में इसको मैंने लगाया, अब इससे और बड़े पॉट में लगाऊंगा तो ये और बड़ा होता जाएगा, फिर इसमें फिर बाद में लीमू भी आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे इसमें कोई पैसे नहीं लगे, ना मैं इसको नर्सरी से ख़रीद कर लाया, ना ही मैंने इसको ज़्यादा मेहनत की है इसके अंदर, ये बस मैंने इसके बीज लगा दिए थे तो ये खुद ही उग गया। इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बस खाद का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है कि टाइम से हमें इसको फर्टिलाइज़र खाद या देनी चाहिए बस, तो ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, और बस प्रूनिंग करते रहनी चाहिए हमें। प्रूनिंग तो हर पौधे की ही करते रहनी चाहिए हमें, शावर भी करते रहना चाहिए हमें। फिर इससे यह है कि पत्तों पर मिट्टी नहीं जमती है, अगर मिट्टी जमी रहेगी तो पत्ते वहाँ से जलना शुरू हो जाएंगे और फिर पत्ते की ग्रोथ नहीं होगी, पत्ता वहाँ से जल जाएगा, सूख जाएगा, झड़ जाएगा। पानी भी ज़्यादा नहीं दो उसको, पानी भी कम ही देना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट्स गल जाएंगी, फंगस लग जाएगा इसकी रूट्स में, और उसकी रूट्स गल जाएंगी, फिर ऊपर से आया आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे फर्स्ट टाइम इसको उगाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये उगा और बहुत काफ़ी और ये उगा और काफ़ी बड़ा हो गया,
और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बस अगर आप सीड्स उगाना चाहें तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको लीमू आने में थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तकरीबन 2-3 साल लग जाते हैं उसको। तो बस यही आज की वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।